तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2016 में आई साईफाई ड्रामा मूवी रियल लाइफ को एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। और इस फिल्म के मेन रोल में टॉम ह्यूज, चैलेट लेवॉन और ओना चैपलिन हैं। इस फिल्म की कहानी एकदम अलग है, जो आजकल के प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों को कुछ नया सिखाती है, जिसे मैं फिल्म के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, बेकार की बातों को ज़्यादा न करते हुए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है सन 1982 का समय है और हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है मार्क जार्विस। अगले सीन में हमें 2084 ईस्वी में एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जिसमें हमें एलिजाबेथ नाम की नर्स से मिलवाया जाता है। एलिजाबेथ का इस रिसर्च सेंटर में पहला दिन होता है। रिसर्च सेंटर की रिसेप्शनिस्ट एलिजाबेथ को डॉक्टर बेस्ट के पास ले जाती है। एलिजाबेथ से मिलने पर डॉक्टर वेस्ट कहता है, हमारा सब्जेक्ट अगले 24 घंटों में जिंदा हो जाएगा, तुम्हें उसकी केयर करनी है, तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना है, चाहो तो तुम उसे यानी हमारे सब्जेक्ट को सेक्सुअल प्लेजर भी दे सकती हो, क्या तुम रेडी हो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? एलिजाबेथ हाँ में सिर हिलाती है। अगले सीन में हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जिसमें मार्क जार्विस अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें 1915 की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें मार्क को एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर मार्क को कहता है, आपको ट्यूमर हुआ है और आप कैंसर के थर्ड स्टेज में हैं, क्या आप अपना इलाज करवाना चाहोगे? यहाँ डॉक्टर की बात सुनकर मार्क शॉक हो जाता है और डॉक्टर से पूछता है, मेरे पास कितना समय है? यहाँ डॉक्टर जवाब देता है, तकरीबन एक साल। अगले सीन में मार्क को सड़क पर एक कार में फैक्ट्री के बाहर दिखाया जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड नाओमी आती है और मार्क को हग करती है और मार्क को अपने घर पर ले जाती है। नाओमी के घर पर पहुंचने पर मार्क ट्यूमर वाली बात नाओमी को बताता है। नाओमी मार्क को परेशान देख मार्क को संभालती है और मार्क को सेक्सुअल प्लेजर देती है। मार्क को परेशान देख नाओमी मार्क के सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और मार्क को हर वो खुशी देने की कोशिश करती है जिससे मार्क खुश हो सके। अगले सीन में हमें मार्क और नाओमी को उस डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है, जिस पर सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ मार्क अभी भी निराश होता है। मार्क अपने डाइनिंग टेबल से उठकर रूम में जाता है और अपना टैबलेट लाता है और अपने दोस्तों को टैबलेट में इंटरनेट वाली आर्टिकल दिखाता है और कहता है, देखो यारो, तुम लोगों को पता है मुझे कैंसर हुआ है और मैं एक साल से ज़्यादा नहीं टिकने वाला। मैंने इंटरनेट पर ये आर्टिकल देखा है जिसमें वैज्ञानिकों ने स्टीम सेल का यूज करके चूहे का बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। इनका दावा है कुछ साल बाद ये लोग मनुष्यों का भी ऑर्गन बनाने में सक्षम होंगे। मैं और ज़्यादा जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर क्रायो स्लीप में चला जाऊँ और टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्यूचर में अपने सारे ट्यूमर को ठीक कराऊँ। इन लोगों ने प्रॉमिस किया है, जो भी इनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे ये लोग फ्यूचर में जरूर लाइफ देकर जिंदा करेंगे। मार्क की बात सुनकर मार्क के सारे दोस्त मार्क की बातों में हामी भरते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, हमारा दोस्त फ्यूचर में जाने वाला है। फ्यूचर में हमारा दोस्त नई नई लड़कियों से मिलेगा और ढेर सारी मस्ती करेगा। अपने दोस्तों की बात सुनकर मार्क खुश होता है और नाओमी की तरफ देखता है। मार्क के दोस्तों की बात सुनकर नाओमी कमरे में चली जाती है। मार्क भी नाओमी के पीछे पीछे कमरे में जाता है। यहाँ नाओमी गुस्से से मार्क से कहती है, क्या तुम्हें लगता है क्या वे लोग तुम्हें सच में जिंदा कर देंगे? देखो मार्क, सब लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं। अगर किसी तरह उन्होंने तुम्हें जगा भी दिया या जिंदा भी कर दिया तो वे लोग तुम्हारा यूज करेंगे। उस समय में जाकर ही तुम क्या करोगे जब कोई भी तुम्हारी पहचान का नहीं होगा? चलो तुम मेरे साथ और अपना इलाज शुरू करवाओ। नाओमी की बात सुनकर मार्क कहता है, मैंने कैंसर के मरीजों को देखा है, वे लोग इलाज के बाद कैसे दिखते हैं। मेरे पिता को भी कैंसर हुआ था और उन्होंने कैंसर से ही अपनी जान गंवाई है। मेरा भी कैंसर थर्ड स्टेज में है। मैं भी अपने पिता की तरह तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। और जो बात तुमने पहचान वाली कही
वहाँ तो फ्यूचर में और ढेर सारी लड़कियाँ होंगी जो मुझे प्यार करेंगी। मार्क की बात सुनकर नाओमी रोने लगती है। अगले सीन में हमें 284 ईस्वी में डॉक्टर वेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर वेस्ट अपनी टीम के साथ मिलकर एस्ट्रीम सेल का यूज करके एक पूरा का पूरा इंसान बनाते हैं। और जब इस इंसान की आँखें खुलती है तो सारे डॉक्टर इस इंसान को ढेर सारा अटेंशन देते हैं। यहाँ डॉक्टर वेस्ट इंसान से पूछता है, तुम कैसे हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यहाँ ये इंसान दर्द भरी आवाज़ में कराहता हुआ जवाब देता है, हाँ, पर मेरे पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द हो रहा है। दरअसल फ्रेंड्स, ये इंसान मार्क होता है, जिसे फ्यूचर में यानी 284 ईस्वी में जिंदा किया गया होता है। और फिल्म के दूसरे सीन में डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ से जिस सब्जेक्ट के केयर करने की बात एलिजाबेथ को कह रहा था, वो सब्जेक्ट मार्क ही था। और डॉक्टर वेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एलिजाबेथ को मार्क की केयर करनी थी। जब 284 ईस्वी में मार्क क्रायोस्लीप से जागता है यानी रियलाइव होता है, तो वह देखता है उसके पेट में एक पाइप जैसी चीज लगी हुई है। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार मार्क के शरीर में लगी हुई ये पाइप मार्क के शरीर के अंदर फूड सप्लाई देती थी, और मार्क को वो पाइप अपने शरीर से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं निकालनी थी। चूंकि एलिजाबेथ मार्क की केयर करने के लिए होती है, इसीलिए मार्क के नींद से जागने के बाद 100 दिनों तक एलिजाबेथ मार्क की ढेर सारी केयर करती है। इन 100 दिनों तक मार्क एक ही रूम में अकेला रहता है। रूम में अकेले रहने के कारण वह अपनी 2015 वाली लाइफ को बहुत मिस करता है और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में लगातार सोचता रहता है। सोचने के क्रम में वह अपनी नाओमी के साथ बिताए गए पलों को याद करता है और अपने दोस्तों के साथ की गई पार्टी को भी मिस करता है। दरअसल फ्रेंड्स, 2015 यानी अपने पिछले लाइफ में जो भी चीज़ें उसने इमेजिन कर रखी थी, यानी फ्यूचर में जागने के बाद वह न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और ढेर सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा, पर रियलाइव यानी दोबारा जागने के बाद उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। उसके पेट में एक पाइप जैसी चीज़ लगी हुई थी और वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, और इन्हीं सब बातों को सोचकर वह परेशान रहता है। चूंकि मार्क के जागने के 100 दिन पूरे हो चुके होते हैं, तो डॉक्टर वेस्ट अपनी टीम के साथ आकर मार्क के रियलाइव होने के 100 दिन पूरे होने की सेलिब्रेशन करते हैं। डॉक्टर वेस्ट की टीम मार्क से केक कटवाती है और मार्क को एक बॉक्स देती है जिसमें उसके लाइफ से जुड़ी पुरानी चीजें थी। मार्क को एक डॉक्टर माइंड राइडर नाम का मशीन देता है। माइंड राइडर एक ऐसी मशीन थी फ्रेंड्स, जिससे किसी इंसान की भूली हुई मेमोरी को कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जा सकता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माइंड राइडर नाम के मशीन को मार्क अपनी आंखों पे कुछ इस तरह से पहनता है और उन पलों को फिर से याद करता है जिसे उसने अपने पिछले लाइफ में किया था। यहाँ मार्क उस अंतिम पल को देखता है जिसमें वह नायोमी के साथ होता है। यहाँ मार्क एक दवा पीता है और बेहोश हो जाता है। मार्क को बेहोश होते देख नाओमी रोने लगती है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्क अपने क्रायोस्लीप में जाने वाले मेडिसिन को ले रहा होता है। अगले सीन में हमें फिर से 284 ईस्वी वाले मार्क को दिखाया जाता है। यहाँ मार्क डॉक्टर वेस्ट के द्वारा दिए गए बॉक्स को खोलता है। इस बॉक्स में एक लेटर होता है। चूंकि रियलाइव होने के कारण मार्क का शरीर कमज़ोर होता है, इसीलिए मार्क अपनी कमज़ोर आंखों से इस लेटर को नहीं पढ़ पाता। बाद में एलिजाबेथ इस लेटर को पढ़कर मार्क को सुनाती है। लेटर में लिखी बातों को सुनकर मार्क बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। दरअसल फ्रेंड्स, ये लेटर नाओमी के द्वारा मार्क को लिखा गया लेटर होता है, जिसमें नाओमी बताती है मार्क के क्रायोस्लीप में जाने के बाद नाओमी बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगी थी। वह मार्क को इतना मिस करने लगी थी कि कोई भी इंसान उसकी ज़िंदगी में मार्क की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। मार्क को याद करते करते वह अपना हेल्थ गमा बैठी थी, यानी बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी। इसीलिए नाओमी सोच समझकर अपने सारे पैसों को यूज करके क्रायोस्लीप में जाने का फैसला करती है और मार्क के साथ ज़िंदगी बिताने का सोचती है। नाओमी के द्वारा मार्क को लेकर प्यार में इतना समर्पित देखकर मार्क बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है और सोचता है, कितनी प्यारी थी मेरी नाओमी, काश मैं नाओमी की बात सुनकर नाओमी के साथ हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज शुरू करवा लेता। मार्क को परेशान देख एलिजाबेथ मार्क को संभालती है और मार्क को सेक्सुअल प्लीजर देने की कोशिश करती है, पर मार्क नाओमी को इस कदर मिस कर रहा होता है कि मार्क बीच में ही रुक जाता है और एलिजाबेथ से पूछता है, तुम लोग
कब मेरी नायोमी को रियलाइव करने वाले हो? मार्क की बात सुनकर एलिजाबेथ कहती है, जब हमारी कंपनी को नायोमी का शरीर मिला था तो वह बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग उसे अभी की टेक्नोलॉजी से नहीं जगा सकते। अगले सीन में हमें डॉक्टर वेस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर वेस्ट मार्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए अपने इन्वेस्टर के सामने मार्क के रियलाइव करने वाली अपनी सफलता को सबको सुनाता है। यहां वेस्ट नायोमी को भविष्य में जिंदा करने की झूठी बात भी बताता है। अगले सीन में हमें मार्क को उसके चेंबर में दिखाया जाता है, जहां मार्क एलिजाबेथ से पूछता है, तुम लोगों ने मेरी नायोमी को कहां छुपा कर रखा है? मार्क की बात सुनकर एलिजाबेथ मार्क को उस जगह पर ले जाती है जहां पर ढेर सारे क्रायोस्लीप वाले पॉट्स रखे हुए थे। एलिजाबेथ सारे पॉट्स में से नायोमी के क्रायोस्लीप वाले पॉट्स को खोजकर मार्क को नायोमी के क्रायोस्लीप वाले पॉट्स के पास ले जाती है। नायोमी के क्रायोस्लीप वाले पॉट्स के पास पहुंचने पर मार्क एलिजाबेथ को अपने पिछले लाइफ और नायोमी के साथ बिताए गए सारे पलों को बताता है। यहाँ मार्क आगे कहता है, मैं अपने रियलाइव वाले लाइफ से परेशान हो चुका हूँ, मुझे अपना पुराना लाइफ ज़्यादा पसंद था, ये लाइफ मेरे लिए जेल से कम नहीं है, मैं अपने लाइफ के पलों को नायोमी के साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब नायोमी जिंदा नहीं हो सकती, इसीलिए मैं अब मरना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ऐसी दवा दे सकती हो जिससे मैं आराम से मर सकूँ? यहाँ एलिजाबेथ जवाब देती है, नहीं। अगले सीन में हमें मार्क को उसके चेंबर में अकेला दिखाया जाता है, जहां एलिजाबेथ आती है और मार्क को हग करती है और चुपके से मार्क के कानों में उस दवा का नाम बताती है जिससे मार्क आराम से मर सकता था। दवा का नाम सुनकर मार्क रिसर्च सेंटर की मेडिसिन वाले कमरे में जाकर वो खास दवा चुराता है और उसे पीकर नायोमी के क्रायोस्लीप वाले पॉट के पास पहुंचकर नायोमी के क्रायोस्लीप के पावर सपोर्ट को कट कर देता है और नायोमी के क्रायोस्लीप वाले चेंबर के बाहर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करते हुए मर जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, डॉक्टर वेस्ट फिर से मार्क को जिंदा करते हैं और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मार्क ने नायोमी की पावर सप्लाई को क्यों कट किया था? दरअसल फ्रेंड्स, यहां मार्क नहीं चाहता था नायोमी भी रियलाइव होकर मार्क की तरह एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने और वह भी मार्क की तरह अकेलेपन को झेले। जहां तक बात की जाए इस फिल्म के एंडिंग यानी लास्ट सीन की, तो क्रायोस्लीप से जगाने या क्रायोस्लीप के रजिस्ट्रेशन का काम एक कंपनी कर रही होती है और मार्क को जिंदा करने के बाद यानी रियलाइव करने के बाद इस कंपनी का शेयर बढ़ गया था। अगर बाहर की दुनिया में किसी तरह यह पता चलता कि मार्क मर चुका है तो कोई भी इंसान क्रायोस्लीप यानी रियलाइव के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। इसीलिए फिल्म के लास्ट सीन में डॉक्टर वेस्ट और उसकी टीम के द्वारा मार्क को जिंदा करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म में मार्क का कैरेक्टर हमें उस पुरानी पंक्ति, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, को याद दिलाता है। मार्क की तरह हम में से बहुत से लोग चंद खुशियों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी महत्व रखते हैं। हमारी लाइफ में फैमिली ही एक ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स, जिसे हम लाइफ में दोबारा नहीं पा सकते, इसीलिए कभी भी हमें अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। आजकल के लोगों को प्यार में बहुत धोखे मिल रहे हैं। मुझे लगता है वे लोग अव्वल किस्म के बेवकूफ़ होते हैं जो केवल सुंदरता, शारीरिक सुख या चंद पैसों के लिए रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी यानी रियलाइफ की डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस मूवी से जुड़ी कोई भी बात अभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका इंतज़ार कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? 10 में से आप इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।